रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है फरीदाबाद के दो दिवसीय दौरे पर अमित शाह, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको यहां पर बता रहे हैं। दो दिवसीय दौरा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जनउत्थान रैली को संबोधित करेंगे अमित शाह। बड़ी खबर, प्रदेश को मिलेगी करोड़ों रुपए की सौगात, ये बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है। करीब आपको 6,600 करोड़ की सौगात जो है वो मिलने जा रही है। सभी प्रदेशों के गृह मंत्री संग बैठक करेंगे अमित शाह। आंतरिक सुरक्षा के मद्देनजर जो चर्चा है वो की जाएगी फरीदाबाद के दो दिवसीय दौरे पर अमित शाह। तो बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें, जनउत्थान रैली को संबोधित करेंगे अमित शाह, ये बड़ी खबर। प्रदेश को मिलेगी करोड़ों रुपए की सौगात। तो फरीदाबाद से बड़ी खबर, सभी प्रदेशों के गृह मंत्री संग बैठक करेंगे अमित शाह। आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर भी जो चर्चा है वो यहाँ पर सभी राज्यों के गृह मंत्रियों के साथ करेंगे। तो बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे, जनउत्थान रैली को संबोधित करेंगे अमित शाह। फरीदाबाद से आ रही बड़ी खबर, करीब 6,600 करोड़ की सौगात जो है वो यहाँ पर मिलने जा रही है। सभी प्रदेशों के गृह मंत्री संघ का बैठक करेंगे अमित शाह। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर जो चर्चा है वो यहाँ पर की जाएगी। मुकेश राजपूत संवाददाता फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुकेश, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फरीदाबाद आ रहे हैं, किस तरीके का कार्यक्रम रहेगा, तैयारियां क्या कुछ वहां पर कर ली गई हैं? देखिए बिल्कुल बता दूं, ये 11 बजे का कार्यक्रम है। जनउत्थान रैली में जो है देश के गृह मंत्री अमित शाह जो है वो शिरकत करने वाले हैं। करीब 11 बजे जो है रैली स्थल पर जो गृह मंत्री है वो पहुंचेंगे और रैली के माध्यम से करीब 6,600 करोड़ की परियोजनाओं का जो है वो शुभारंभ जो है गृह मंत्री द्वारा किया जाएगा। इसके बाद बात की जाए तो करीब 4 बजे जो है आंतरिक सुरक्षा को लेकर के देश के तमाम राज्यों के गृह मंत्रियों के साथ जो है वो बैठक अमित शाह जो गृह मंत्री है उनके साथ होनी है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो सुरक्षा व्यवस्था के काफी पुख्ता इंतजाम यहाँ पर जो है रैली स्थल पर किए गए हैं। करीब 3 लेयर जो है सुरक्षा यहाँ पर प्रशासन द्वारा बनाई गई है और भारी संख्या में पुलिस जो कर्मी है वो तैनात किए गए हैं। जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है और जो है लोगों के बैठने के लिए जो व्यवस्था की गई है, करीब 15,000 जो सीटिंग है उसका अरेंजमेंट यहाँ पर किया गया है। क्योंकि इस रैली को काफी जो है यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिस तरीके से लोगों में उत्साह है तो करीब 15,000 से ज्यादा जो लोग हैं वो इस रैली स्थल पर पहुंचने वाले हैं, जिसका जायजा लेने के लिए बीती रात भी जो है मुख्यमंत्री स्वयं वहां पर रैली स्थल पर पहुंचे थे और वहां पर जायजा लिया था, तमाम व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी हासिल की थी। जी मुकेश, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो ये दौरा है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है, करीब 6,600 करोड़ के सौगातों का जो पिटारा है वो यहाँ पर खुलने जा रहा है। हरियाणा की राजनीति के हिसाब से भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा जो है वो कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है, कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह यहाँ पर देखने को मिलेगा? देखिए बिल्कुल, क्योंकि अगर राजनीतिक नजरिए से अगर जो हम इस कार्यक्रम को देखें, क्योंकि 2 दिवसीय कार्यक्रम है, राजनीतिक नजरिए से अगर इसे देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण ये रहने वाला है। क्योंकि हरियाणा के फरीदाबाद में इस तरीके का कार्यक्रम रखा गया और तमाम कार्यकर्ताओं में इस समय जोश है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पिछले 15 दिनों से लगातार जो है कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो है जिला प्रशासन जो है इस कार्यक्रम की तैयारियों में जुटा हुआ था। तमाम व्यवस्थाओं को लेकर के समय समय पर कैबिनेट और केंद्रीय मंत्री जो है लगातार इस मौके का निरीक्षण कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण ये रैली रहने वाली है। और इसके साथ साथ बात की जाए तो जिस तरीके से कल से ही लगातार हम देख रहे हैं कि खुद मुख्यमंत्री भी स्वयं आकर के जो है यहाँ पर रैली स्थल का जो मुआयना करके गए हैं, खुद देख करके तमाम व्यवस्थाओं को देख कर गए हैं। 2 मंच यहाँ पर बनाई गई है ताकि किसी प्रकार की जो है व्यवस्था जो है वो खराब ना हो। इसके अलावा बात की जाए कई 1,000 पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। इसके बाद 4 बजे जो सूरज कुंड में बैठक होने वाली है आंतरिक सुरक्षा को लेकर के तमाम गृह मंत्रियों के साथ, तो उसको लेकर के भी व्यवस्था का लगातार जो है वो जायजा लिया जा रहा है। करीब 11 बजे यहाँ पर गृह मंत्री जो है रैली स्थल में पहुंचेंगे और बड़ी परियोजना, क्योंकि ये कहा जा सकता है कि 6,600 करोड़ की जो बड़ी परियोजना है इनका शुभारंभ भी रैली के माध्यम से होना, तो कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण इस रैली को माना जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश राजपूत, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे इस खबर पर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के। तो फरीदाबाद में होने वाली गृह मंत्री अमित शाह की रैली को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, तो दूसरी तरफ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने रैली स्थल का निरीक्षण किया, साथ ही तैयारियों को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की फरीदाबाद में रैली है और रैली को लेकर तैयारियां पूरी तरह से चाक चौबंद है। शासन प्रशासन और पुलिस के तालमेल के साथ रैली में व्यवस्था चाक चौबंद करने के लिए पिछले कई दिनों से पूरा अमला जुटा हुआ है। और इस वक्त देखिए हम यहां रैली स्थल पर मौजूद हैं। मेरे इस ओर आप देखेंगे कि यहाँ पर आम व्यक्ति के लिए जो प्रवेश द्वार बनाया गया है, जन उत्थान रैली, भाजपा की इस रैली का नाम दिया गया है। बैरिकेटिंग जो है प्रवेश द्वार से थोड़ा सा आगे चलेंगे तो पुलिस बैरिकेटिंग यहां पर की गई है, जहां हर व्यक्ति की चेकिंग के बाद उनको यहां पर रैली स्थल तक लाया जाएगा। इसके अलावा यहां आप देखेंगे यहां पर वीवीआईपी प्रवेश द्वार बनाया गया है और हरियाणा की भाजपा सरकार ने 8 साल पूरे कर लिए हैं और रैली में इसकी झलक भी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। देखिए 8 साल राख्या ख्याल, ये होर्डिंग्स जो है वो लगाए गए हैं, अतुल्य हरियाणा, ये होर्डिंग्स यहां पर लगाए हैं। और जन उत्थान रैली के साथ साथ चिंतन शिविर जो है इस पूरे आयोजन को ये नाम दिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है उनके साथ केंद्रीय मंत्री व अन्य जो भाजपा के तमाम बड़े नेता हैं, चाहे भाजपा प्रदेश प्रभारी की बात करें जो त्रिपुरा के पूर्व सीएम है, या फिर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सहित तमाम लोग यहां पर शिरकत करेंगे। और आइए पूरा रैली स्थल में कैमरे की नज़र से आपको दिखाऊंगी कि हम पंडाल के पीछे यहां पर खड़े हुए हैं, जहां पर अमित शाह जो है रैली को संबोधित करने पहुँचेंगे। और आप बता दें कि 30 अक्टूबर तक जितने भी सरकारी कर्मचारी व अधिकारी हैं उनकी जो छुट्टियां हैं वो रद्द कर दी गई हैं और पूरे प्रशासन की चकरघिरनी पिछले कई दिनों से बनी हुई है ताकि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किसी तरह की चूक ना हो। देखिए इधर आप देखेंगे कि मंच जो है वो पूरी तरह से सजकर तैयार है। भाजपा का आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है उसके तहत बहुत अहम मानी जा रही है। देखिए इस तरफ आप देखेंगे जो अमित शाह यहाँ पर मंच पर रैली को संबोधित करेंगे। इसके अलावा एक डी बनाई गई है सुरक्षा के मद्देनज़र। उसके अलावा मीडिया, वीआईपी, वीवीआईपी और तमाम आम लोग हैं उनको लेकर जो है तमाम इंतज़ाम किए गए हैं। और आप देख सकते हैं कि तैयारियाँ पूरे जोर शोर से हैं, अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमित शाह का यहाँ पर कटआउट बनाया गया है ताकि पूरा जो व्यवस्था है उसकी कमान जो है आला अधिकारी वो स्वयं संभाले हुए हैं और किसी तरह की चूक ना हो इसको सुनिश्चित करने के लिए तमाम अधिकारी मोर्चा संभाले हुए हैं। देखिए कैमरे की नज़र से जनता टीवी की टीम आपको दिखाएगी कि ये अमित शाह की जन उत्थान रैली के लिए सजा हुआ पंडाल है, किस तरह से यहाँ सजाया हुआ है सुरक्षा को लेकर। वहाँ आप देखेंगे कि तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए छात्राएं जो है वो रंगोली बना रही हैं और कहीं ना कहीं देशभक्ति की झलक भी इस रंगोली में नजर आ रही है। पूरा जो प्रांगण है वहाँ पर सीसीटीवी कैमराज लगाए गए हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है, ट्रैफिक रूट जो है वो डाइवर्ट किए गए हैं ताकि लोगों को परेशानी ना हो। और तमाम देखिए जो अधिकारी हैं वो मोर्चा संभाले हुए हैं और फाइनल रिहर्सल इसे कहा जा सकता है कि फाइनल रिहर्सल, चाहे साउंड चेक की बात करें या फिर और व्यवस्था की बात करें, तमाम जो व्यवस्था में लगे लोग हैं वो ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि अमित शाह फरीदाबाद से एक सुखद अनुभव लेकर जाएं। हालांकि कहा जा रहा है कि अमित शाह जो है संगठन में भाजपा के कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार करके जाएंगे। 6600 करोड़ की जो परियोजना है हरियाणा के विभिन्न जिलों को जो है वो सौंपी जाएगी। देखने वाली बात ये होगी कि जिस नई ऊर्जा की बात भाजपा कह रही है वो वास्तव में कार्यकर्ताओं में उसका संचार इस जन उत्थान रैली के माध्यम से हो पाता है या नहीं। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, जनता टीवी।